नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दीक्षांत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेस कैम वर्सेस वॉइस ओवर की। जी हाँ दोस्तों, फेस कैम का मतलब दोस्तों कि आप कैमरे के सामने आके वीडियो बनाते हैं और अपनी वॉइस देते हैं, जैसे कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और वॉइस ओवर का मतलब होता है कि आप कैमरे के सामने ना आ करके आप किसी भी एनिमेशन के थ्रॉट आप वीडियो के पीछे आप अपना वॉइस दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वॉइस ओवर। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड फेस कैम लोग क्यों नहीं करते हैं, इसका जो है आपको हम क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, कि भाई क्यों लोग नहीं आना चाहते हैं कैमरे के सामने, तो आखिर क्या रीज़न है कैमरे के सामने ना आने का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला रीज़न है कैमरा फियर का। कैमरा फियर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप कैमरे के सामने आके ना बोल पाएँ, या फिर आप कैमरे के सामने आने के बाद आप भूल जा रहे हैं कि आपको बोलना क्या है, या फिर आप कैमरे के सामने आने के बाद आपको चीज़ें याद नहीं आ रही हैं कि आपने क्या सोचा था, आपने क्या बोल दिया गलती से। और वो लोग डरते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और पता नहीं क्या क्या लोग बोलेंगे मेरे बारे में, पता नहीं कैसे मैं वीडियो बनाऊँ, तो यही सब लोग सोच के जो है वीडियो नहीं बनाते हैं फेस कैम का। तो लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसको आगे एडवांटेज भी बताऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। जो लोग यूट्यूबर हैं, जो लोग फेस कैम नहीं करते हैं, और या फिर जो लोग वॉइस ओवर देते हैं, वो भी इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा क्लासिफिकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बताऊंगा कि आप क्यों करना चाहिए फेस कैम वीडियो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन में आता है कि फैमिली रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जैसे कोई लड़कियाँ होती हैं तो उनके फैमिली वाले नहीं अलाउ करते हैं कि तुम वीडियो बनाओ किसी भी सामने आके कैमरे के आगे, या फिर लोग लड़कियां सोचती हैं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद लोग हंसेंगे, फैमिली रिश्तेदार हंसेंगे, तो ये सब लोग सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं, तो इसलिए वो लड़कियां जो होती हैं जेन्युइन, वो सब नहीं वीडियो डालती हैं यूट्यूब पे अपने फेस कैम द्वारा, ठीक है। तो मैं आप इसका एडवांटेज बता देता हूँ कि आखिर आपको क्यों डालना चाहिए फेस कैम वीडियो, और ठीक है जो लड़कियां सोचती नहीं डालना चाहिए तो उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि उनको कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो जो है फेस कैम वीडियो डालना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों देखिए, जो फेस कैम करते हैं उसमें फ़ायदा सबसे पहले क्या है कि आपको लोग जानते हैं आपके चेहरे से, ना कि आपकी वॉइस से। जैसे कि आपने, मैं अपने चैनल की बात कर देता हूँ, जैसे मैं पहले वॉइस ओवर वीडियो डालता था तो वहाँ पर मेरे टोटल सब्सक्राइब थे उस समय, आज से 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे मेरे पास सब्सक्राइबर थे 15,000 के आसपास। तो 15,000 के आसपास जब सब्सक्राइबर थे मेरे, वो मेरे सब्सक्राइबर आए थे पिछले 1 साल के आसपास, ठीक है। तो मैं पिछले 1.5 साल से लगभग काम कर रहा हूँ, 16-17 महीने से, तो 1 साल में मेरे जो आए थे 15,000 सब्सक्राइबर। लेकिन मैंने जब से फेस कैम वीडियो डालना स्टार्ट किया तो मेरे सब्सक्राइबर आज आप खुद देख सकते हैं कितने हैं, 40,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंक्रीज़ जो है कितना आया मेरे फेस कैम वीडियो डालने से, और जब मैं वॉइस ओवर डालता था तब मेरे कितने सब्सक्राइबर थे। तो पहला तो आपको एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और मैं दूसरी बात करूँ दोस्तों कि जब आप किसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो जो फेस कैम वाले वीडियो होते हैं वो जल्दी रिव्यू कर लिए जाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए फटाक से, और जो वॉइस ओवर वाले होते हैं उसमें टाइम लगता है रिव्यू करने के लिए, तो आपको यहाँ पे भी बेनिफिट मिलता है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कहीं पे घूमने जाते हैं, मान लीजिए किसी बंदे ने आपको वहाँ पे देख लिया कि यार मैंने तो इसकी वीडियो देखी हुई थी, तो वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको बहुत ही अंदर से प्राउड फील होता है कि यार मैंने जो है अच्छा काम किया और लोग मुझे जानने लगे हैं। तो यहाँ से भी आपको जो है फेस कैम के द्वारा ये सब जो है मदद मिलती है, तो आपको फेस कैम वीडियो जो है डालना चाहिए। वॉइस ओवर वीडियो डालने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है। दूसरे, मैं डिसएडवांटेज की बात कर लूँ, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो है पहला चैनल जो है सस्पेंड हो गया, भगवान करे कि ना हो किसी का भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत बहुत ही लगती है सब करने में, वीडियो बनाने में, अपना चैनल को स्टैंडर्ड बनाने में। तो मान लीजिए कि आपका चैनल जो है सस्पेंड हो गया, ठीक है, और आप वहाँ पे वॉइस कवर वीडियो डालते थे, वॉइस ओवर डालते थे वीडियो, तो अब आप मान लीजिए सोचा है कि मैं दूसरा चैनल क्रिएट करूँ, तो वहाँ पे आपको फिर से उस चैनल को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ही टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है लोग फेस से नहीं जानते हैं, और वहीं पे अगर किसी बंदे का मान लीजिए जो फेस कैम वाली वीडियो डालता था, वहाँ मान लीजिए उसकी सस्पेंड हो गई है, सस्पेंड कर दिया गया है चैनल को, और वहीं कहीं दूसरा चैनल बनाता है और वो अपने थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगा देता है, तो उसका चैनल जो है तुरंत ग्रो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे की वीडियो जो है ट्रस्टेड फुल होगी,
और ये वीडियो अच्छा बनाता है। तो इस तरीके से आप तुरंत ग्रो कर सकते हैं नए चैनल पे भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, भगवान करे कि आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।